स्थानीय नीति और नियोजन नीति सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर रांची में आजसू ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसको लेकर आजसू के तमाम बड़े नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। आजसू के विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम जगहों पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता रांची से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से आजसू ने पहले ही ऐलान किए थे कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा और आज उसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है, हालात क्या है वहां पे फिलहाल, तो आपको एक बार फिर से बता दें कि 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। इसको लेकर आजसू के तमाम बड़े नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। आजसू के विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम जगहों पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो आज आजसू का विधानसभा घेराव का ऐलान था, जिसके मद्देनजर रांची की सड़कों पर तमाम सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 7 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और इसके मद्देनजर आजसू के तमाम बड़े नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। तो आजसू आज विधानसभा का घेराव करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हालांकि आजसू ने पहले ही ऐलान किया था कि विधानसभा का वो घेराव करेगी, आजसू के तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां मौजूद भी हैं, क्या कुछ नजारा है? जी बिल्कुल, हम ये रिंग रोड के पास दाला दौली चौक के पास में है, जहाँ पे हजारों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लेकर निकले हुए हैं और यहाँ पे सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। कुछ यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के लिए निकले थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। अभी देख सकते हैं आप यह तस्वीर के माध्यम से, रिंग रोड पूरी तरह से दोनों तरफ से जाम है और आजसू कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन लागू हो, पिछड़ों को आबादी के अनुसार बेरोजगार को रोजगारी देने को लेकर पहले से जो यह कार्यक्रम तय था उसको लेकर ये तमाम कार्यकर्ता अभी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में ये कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये लोगों का विधानसभा घेराव कार्यक्रम है, जिसका अगुवाई सुप्रीमो सुदेश महतो कर रहे हैं और तमाम जो बड़े इनके सुप्रीमो के साथ साथ चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो सहित सभी कार्यकर्ता, आप यह तस्वीर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से विधानसभा के लिए निकल गए हैं। अब जिला प्रशासन पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दी है, बावजूद ये लोग अड़े हुए हैं कि हमारी जो सरकार से मांग है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग विधानसभा के तरफ कूच करेंगे। ये बार बार प्रशासन इन्हें मना कर रही है कि आप लोग नहीं जाए, इसके बावजूद भी ये सभी कार्यकर्ता, आप यह विजुअल के माध्यम से सीधे तस्वीर रांची के रिंग रोड से दिखा रहे हैं, जहां से हजारों कार्यकर्ता आजसू के सड़क पर उतरे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जो आज, हम लोग पलामू से आए हैं और हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। हमारे पास जो मुद्दे हैं, आजसू पार्टी के पास जो मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं और 1932 के खतियान को लागू करने का मुद्दा है, आरक्षण का मामला है, स्थानीय नीति का मामला है, ये सारे जो मांग है जनता की मांग है, ये जनता की मांग है, ये जनता की मांग है, जिसको लेकर के आजसू पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। ये जन जन की मांग है, ना कि सिर्फ ये आजसू पार्टी की मांग है। तो कहीं ना कहीं 1932 के खतियान और बेरोजगार को रोजगार देने के मांग को लेकर जिस तरह से यह भीड़ रोड पे निकली है और प्रशासन के मौजूदगी में कहीं न कहीं यह सरकार को आग्रह करने की कोशिश कर रही है कि जो सरकार से मांग है उन्हें सरकार विधानसभा में पास करे और इन्हें लागू करे। जी राजेश, जिस तरीके से आज रांची की सड़कों पर जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिस तरीके से जवानों को तैनात किया गया है, उसका मुद्दा भी हंगामे के रूप में देखने को मिला, क्या कुछ नजारा है सड़कों पर? क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो हजारों में है,
तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पे? जी बिल्कुल, आपको तस्वीर के माध्यम से प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है, अतिरिक्त 4000 सुरक्षा बल लगाए गए हैं। 35 जगह रांची के रिंग रोड में बैरिकेटिंग किया गया है ताकि जो यह भीड़ है उसको किसी तरह से रोका जाए। यह भीड़ को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह प्रशासन एक तरफ से है, दूसरी तरफ से आशु कार्यकर्ता अब एक दूसरे के आमने सामने है। प्रशासन बार बार इन लोगों को आग्रह कर रही है, यह पूरे तस्वीर के माध्यम से आप देखना चाहेंगे आराम से कि यह भीड़ जो है यह अब आमने सामने के करीब में है। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर लाइव रिंग रोड से, जहां पे पुलिस और आशु के कार्यकर्ता आमने सामने विधानसभा घेराव की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर, प्रशासन इन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रही है ताकि आप यहीं पे आप अपना प्रदर्शन करें। अब देखना है कि कार्यकर्ता का जो जोश है वो किस तरह से आगे की तरफ कुछ करता है। अब बिल्कुल राजेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ नजारा है फिलहाल रिंग रोड का जो रांची से तस्वीर सामने आ रही है। बैरिकेटिंग किया गया है, एक तरफ पुलिस के जवान मौजूद है, दूसरी तरफ आजसू के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है विधानसभा का घेराव करने। तमाम जिलों से यह कार्यकर्ता पहुंचे हैं, हालांकि प्रशासन इन्हें रोकने के लिए मुकम्मल व्यवस्था करती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका।